ਬੈਗੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਫਿੱਕੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਮੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਘਿਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ नॉट दोस्तों ये है क्रेटा 2024 का वेरिएंट ई e और प्राउडली हमने इसे एनलाइन नाइट एडिशन में अपग्रेड किया है पीबी जीरो टू आप समझ चुके हैं ये कार पंजाब अमृतसर से आई है दोस्तों पंजाब हरियाणा राजस्थान दिल्ली गुजरात महाराष्ट्र कितने स्टेट इनको लगते हैं आने के लिए लेकिन उन्होंने एक ही डिसीजन लिया था मैं कार अपग्रेड करूंगा तनवीर भाई आपके यहाँ से करूंगा वरना मैं कार अपग्रेड करूंगा ही नहीं क्योंकि मैंने जो वीडियोस आपके इतने साल से देखे हुए हैं ना मैं जानता हूं मुझे जो चीज़ चाहिए वो आपके यहाँ ही डिलीवरी होगी ये कार मैं फ्रंट प्रोफाइल से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा सबसे पहले हमने स्कूप इंस्टॉल किए हैं द ट्विन स्कूप्स आते हैं ये होंडाई जेन्यून के आते हैं एन लाइन तो हमने अपग्रेड कर दी है दोस्तों दोस्तों चेरी ऑन केक ग्राफिक्स एंड स्कूप इंस्टॉल कीजिए और और लुक आउट आप देखिए कैमरा ये सब चीजें जस्टिफाई नहीं कर सकता है लाइव एक बार ये कार को आप देखोगे ना आप बोलेंगे दिल छू लिया ये वाली मॉडिफिकेशन ने फ्रंट प्रोफाइल में पैरामेट्रिक ब्लैक क्रोम ग्रिल हमने इंस्टॉल की है दोस्तों पैरामेट्रिक ब्लैक क्रोम ग्रिल की आन बान शान, कुछ अलग है ये जो डार्क ब्लैक क्रोम आप देख स, देख रहे हैं ना कैमरा ये सब चीजें जस्टिफाई नहीं कर सकता है ये चीज कब मिलती है जब कंपनी को आप टॉप वेरिएंट का पैसा देते हैं मिसिंग क्या था सेंटर डी आर वो भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की है नाइट एडिशन बोला तो आप समझ चुके हैं फ्रंट बैक और साइड में हमने नाइट एडिशन की स्किट प्लेट इंस्टॉल की है जो हाई ग्लॉस ब्लैक कलर की आती है और सेंटर जो होंडाई का लोगो आता है वो भी हाई ग्लॉस ब्लैक कलर का आता है नाइट एडिशन की जो स्किट प्लेट है और व्हाइट कलर की कार में जिस हिसाब से नाइट एडिशन की स्किट प्लेट्स लगती है एक अल्टीमेट एनलाइन कहलाती है ये कार में जो स्कीट प्लेट एक्सटेंडर है लेफ्ट राइट right और सेंटर वो भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किए हुए हैं हेडलाइट में लो बीम और हाई बीम में 180 एटी की एलईडीज भी हमने इंस्टॉल की है साइड प्रोफाइल ऑफ द कार में एन लाइन बोल दिया तो 18 इंचेस के अलॉय व्हील तो हमने इंस्टॉल किए हुए हैं लेकिन ये कार को हमने ड्यूल टोन भी किया है हाई ग्लॉस ब्लैक कलर की गरवारे की पीपीएफ हमने इंस्टॉल की है व्हाइट कलर की कार जब नाइट एडिशन में अपग्रेड होती है और सोने पे सुहागा जब आप ड्यूल टोन इसे करते हैं तो इसका एक लुक एक स्टैंड आउट एक अलग ही आता है ये एक डायनामिक रोड प्रेजेंस है ये कार में आप टॉप वेरिएंट में बाजू में खड़ी कर लीजिए दोस्तों लेकिन इसका रुतबा अलग है ये कार में हमने साइड की जो नाइट एडिशन की स्किट प्लेट्स आती है हाई ग्लॉस ब्लैक कलर की वो भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की है क्योंकि साइड प्रोफाइल इनकम्प्लीट है बिना ये स्किट प्लेट के

पाँच सेकेंड एक एडमायर करके तो देखिए हम किस तरीके से कार को अपग्रेड करते हैं बिफोर के शूट पे आप देख चुके हैं ये कार किस तरीके से आई थी और हमने इसको एक ब्यूटीफुल अल्टीमेट एन लाइन का खिताब दिया हुआ है जब ये कार वापस पंजाब जाएगी ना इसका रुतबा कुछ अलग ही रहेगा रियर प्रोफाइल में जेन्यून शार्कफिन एंटीना इंस्टॉल किया हुआ है स्पोर्ट्स ABS spoiler, जो made in Indonesia का आता है, वो भी हमने install किया है। ये spoiler की इतनी है, वो वो भी भी हमने किया ये की इतनी सिर्फ आप लोगों के वजह से है टेल लाइट लेफ्ट एंड राइट हमने रिप्लेस की है जो एलईडी मोड के साथ आती है और आन बान शान रियर की स्कीट प्लेट्स भी हमने इंस्टॉल की है दोस्तों स्किट प्लेट ही आप लगाइए डिफ्यूजर में पहले भी मना करता था आज भी आप लोगों को मना करूंगा और नाइट एडिशन का लोगो भी हमने इंस्टॉल किया है दोस्तों कंपनी ने तो ई e, e टर्बो तोलाइन बनाया लेकिन हमने एनलाइन नाइट एडिशन का मॉडल जो इंट्रोड्यूस किया है और इसे नाम दिया है दिस इज द अल्टीमेट एनलाइन प्रोडक्ट जो हमने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया हुआ है इंटीरियर प्रोफाइल ऑफ द कार में इनर हैंडल्स हमने रिप्लेस किए हुए हैं चारों डोर की लेदर की पैडिंग की है शेडो एम लाइटिंग हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की है लेकिन ये 70 एम mm की की एंड टू एंड आप चेकआउट कर सकते हैं इसमें छोटी वाली भी आती है लेकिन हमने ये कार के अंदर 70 एम mm वाली इंस्टॉल की है सीट कवर की फिटमेंट फिनिशिंग लिमिटेड एडिशन के सीट कवर हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किए हैं तो सेम इंटीरियर कलर के सेम कॉन्सेप्ट की पिरामिड स्ट्रक्चर की मैट्स हमने इंस्टॉल की है लेमिनेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट हमने रखा ही नहीं है एक लग्जूरियस फैक्टर ऐड करना है दोस्तों एक चीज की कमी थी बोलो कि क्या रियर की रीडिंग लैम्प्स वो भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की है ये कार में नहीं लग के आती है ई e वेरिएंट में हमने वो भी ये दोनों भी लेफ्ट एंड राइट हमने इंस्टॉल की हुई है मैं मिरर की बात करना चाहूंगा मिरर्स के ट्रिम्स हमने रिप्लेस किए हैं कटिंग किए ही नहीं है और दोस्तों इतनी दूर से जब कार आई है तो इतने वीडियोस वो हमारे देख चुके थे तो ट्रिम्स तो चेंज होगी लेकिन जो शेडो एम्बियन लाइटिंग है विद सिल्वर लाइनिंग के साथ बहुत अल्टीमेट है सोनी ई सीरीज का सेटअप भी हमने इंस्टॉल किया इनर हैंडल्स आप देख सकते हैं सीट कवर की फिट फिनिशिंग बकेटिंग विद द सेंटर परफोरेशन के साथ एयरबैग फ्रेंडली सीट कवर्स हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किए हैं मैट्स की भी फ्रंट की फिटमेंट फिनिशिंग आप चेकआउट कर सकते हैं कफ भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की है लेकिन दोस्तों ड्राइविंग का प्लेजर क्या है द मस्कुलर डी कट स्टेयरिंग जो हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की हुई है एक एक इसके मसल मोल्ड्स आप देख सकते हैं ड्राइविंग का प्लेजर एक अल्टीमेट है ये कार के अंदर जो एसी के वेंट्स है हाई ग्लॉस विद द सिल्वर लाइनिंग के साथ हमने इंस्टॉल किए हैं ये टॉप वेरिएंट में आते हैं और हमने जो स्टेयरिंग भी ये कार के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है द मस्क्यूलर डी कट स्टेरिंग हमने इंस्टॉल किया हुआ है दोस्तों इंटीरियर सीट कवर फिट फिनिशिंग मैटिंग दिस इज द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ दिस कार दोस्तों प्लेयर वंस अगेन हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किया है मॉन्टेगो बे नाइन नाइनटी विथ थ्री सिक्सटी के साथ है Sony ES -series के सेटअप हमने इंस्टॉल किए सेंटर स्पीकर भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किया है पाइनियर की डैम्पिंग हमने की हुई है एम्पलीफायर हमने इंस्टॉल नहीं किया है क्योंकि मॉन्टेको बे जो है हमारा हाई वोल्ट डेक है फिटमेंट फिनिशिंग आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं अभी तक तो ये एग्जैक्ट हमारे पास प्लेयर है आने वाले टाइम पे आएंगे लेकिन आज की तारीख में अगर आपको कोई प्लेयर लगाना है ब्रांड लगाना है क्वालिटी लगाना है तो गो फॉर दिस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले भी वायरलेस है दोस्तों और चाइना के जितने भी प्लेयर आते हैं ना एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले वो जेड लिंक के थ्रू चलते हैं जो आज से पाँच साल पुराना फॉर्मेट है तो इसी के लिए मैं हर वक्त बोलता हूँ गो फॉर ब्रांड गो फॉर क्वालिटी दोस्तों और इतनी दूर से तो मेरी ड्यूटी बनती है उनको अल्टीमेट प्रोडक्ट देना जब मैंने एन लाइन के वीडियो शूट किए थे ना मैंने वही टाइम बोला था 2024 चलेगा तो एन लाइन नाइट एडिशन का चलेगा मॉडल के के आ रहे थे, के आ रहे रहे थे थे क्रेटोन लेकिन अब सीरीज चलेगी ये वाली और ये वीडियो रिलीज होने के बाद दोस्तों मैं बोलूंगा हर क्रेटा वाली की इच्छा रहेगी कार अपग्रेड हो तो इस तरीके से हो वरना ना हो इनको सुपर परफेक्ट काम चाहिए था सुपर परफेक्ट किसको बोलते हैं दोस्तों पैरामेट्रिक ब्लैक क्रोम ग्रिल एडवेंचर के वेंट्स एन लाइन की एलॉय व्हील साइड की जेन्यून स्किट प्लेट दोस्तों मिरर के ट्रिम रिप्लेस करने थे और जो ड्यूएल टोन व्हाइट कलर की कार है रेड ग्राफिक्स विद द ड्यूएल टोन के साथ बहुत अल्टीमेट है और ये कार तो हमको अल्टीमेट प्रेजेंट करनी ही थी दोस्तों इतने स्टेट पार करके एक ट्रस्ट लेके आए थे दोस्तों काम हर जगह होता है मॉडिफिकेशन हर जगह होता है जब ये निकल रहे थे ना अमृतसर से इनके दोस्तों ने बोला कि सही तो है तेरा दिमाग इतना डीजल लगेगा इतना टोल लगेगा उधर रहने का खर्चा लगेगा नहीं दोस्तों उन्होंने एक ही बात बोली कि सिर्फ मुझे दो दिन दीजिए मैंने बेस वेरिएंट ली है और मैं ये कार आप लोगों को जो मैं बना के बताऊंगा ना वो एक नेक्स्ट लेवल रहेगी और वो प्रॉमिस हमने उनका फुलफिल किया है तो ये वीडियो ये कॉन्सेप्ट आपको किस तरीके से लगा है कमेंट जरूर करना कस्टमर भी हमारे साथ हैं इतनी दूर से ट्रेवल करके आए हैं उनका रिव्यू भी जानना चाहेंगे किस तरीके से लगा है लेकिन आज के वीडियो में कमेंट जरूर करना दोस्तों अब टाइम है रिव्यू का और टाइम है सर का घर पर जाने का ये कार आई है पंजाब अमृतसर से 1800-1900 किलोमीटर दूर है लेकिन आज दिल से मैं कस्टमर से जानना चाहूँगा मिस्टर महेश अरोरा जी इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इट्स वर्थ ट्रैवलिंग अमृतसर से नवी मुंबई पंजाब हरियाणा राजस्थान दिल्ली गुजरात फिर महाराष्ट्र फिर हमारा नवी मुंबई आता है वीडियोस तो ये देखते थे लेकिन वीडियो में इधर आके रियलिटी में हम किस तरीके से काम करते हैं हम किस तरीके से पैशनेट है महेश जी से जानना चाहेंगे प्लीज महेश जी देखो मैं काफ़ी टाइम से इनका वीडियो फॉलो कर रहा था लेकिन मेरे को विश्वास था कि जो मैंने देखा है वो होगा लेकिन बहुतों तो ने डिमोटिवेट भी किया था मुझे कि इतनी दूर जा रहे हो क्यों जा रहे हो यहाँ पे भी काम होता है मैं मेरे काम तो होता है लेकिन परफेक्शन नहीं है वो काम में मैं यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ें लेने आया था एक क्वालिटी और एक जेनिटी और एक परफेक्शन जो मुझे लगता है शायद मुझे वो हंड्रेड परसेंट नहीं हंड्रेड वन परसेंट मिली है मुझे इनसे अब इससे ज़्यादा तो मैं क्या आपको आप खुद आओ यहाँ देखो अब आना वर्थ है या नहीं मुझे तो वर्थ लगा इनके पास है कि बेस मॉडल गाड़ी को क्या बनाया है, इन्होंने आपने देखा ही लेकिन मैं खुद नहीं बिलीव कर पा रहा कि मेरी गाड़ी है या जो मैं सुबह लेके आया था मैं ऐसे आज आगे कुछ नहीं थैंक यू सर बहुत अच्छा लगा इनका काम देख के आप लोग भी आइए एक बार ठीक है थैंक यू सर रहते हैं कहा राजस्थान जोधपुर में वहां से उनको पिकअप किया और लेके आए हैं क्योंकि रास्ता तो लंबा था तो कोई ना कोई दोस्त यार चाहिए ये उनके बेटे हैं सर कैसा रहा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा बाकी बहुत अच्छा काम किया थैंक यू दो वर्ड पंजाबी मेरे वीरो मेरे भरावो मैं ना गल कहना चाहवा कि जो वाकई थानु क्वालिटी चाहिए परफेक्शन चाहिए चाहिए वी गॉट कुछ नहीं कोई गोलमाल नहीं है कोई घोटाला नहीं है

कि अब पंजाब में भी हमारी अल्टीमेट एनलाइन धूम मचाएगी वो चीज़ में थैंक यू ड्राइव सेफली एंड थैंक यू फ्रेंड्स वन सगिंग